नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं महाराजगंज की खबर। पनियारा नगर पंचायत के बजडीला मोड़ के समीप एक अवैध हॉस्पिटल संचालित था, जिसकी खबर विभाग को कुछ भी नहीं थी। उक्त हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खबर कब हुई? जब वहां पर एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत खबर को सुनकर वहां पर पहुंचे राजेंद्र प्रसाद डिप्टी सीएमओ ने हॉस्पिटल को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई को नियमानुसार करने की बात कही। आपको बताते चले कि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि जो इस हॉस्पिटल का संचालक है, करीब 3-4 माह पूर्व भी एक महिला की जान ले चुका है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न होने के कारण उसका हौसला बुलंद था, जिसकी वजह से आज एक और जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जब इसके जिम्मेदार किसको कहा जाए, 3-4 माह पूर्व जब एक महिला की मौत हो गई थी, क्या इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है, शासन प्रशासन को नहीं थी? अगर होती तो क्या आज एक जच्चा बच्चा की जान नहीं जाती? इस मामले को देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग के निम्न अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारी तक मिलीभगत की सरकार है, जिसकी वजह से अवैध हॉस्पिटलों का पूरे जिले में संचालन हो रहा है और जब कोई कार्य बिगड़ जा रहा है तब विभाग अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी मोटी कार्रवाई कर दे रहा है। मेरी सिटी हॉस्पिटल में जब बच्चा की हालत बिगड़ गई तो स्टाफ ने बाहर ले जाने की बात कही। जैसे ही वह बाहर लेकर निकले तो बच्चे की मौत हो गई। घटना के समय महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ फरार हो गए। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा करने लगे, जिसे देखकर लोग इकट्ठा हो गए और मायके में आई महिला को ग्राम सभा बांकी टुकड़ा नंबर 14 टोला देवरी गिरी आती थी आशा ने लेकर के पनियारा नगर पंचायत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे, जहां से आशा को मिलाकर संचालन ने बहला फुसला और लालच देकर अपने यहां भर्ती करवा लिया। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे इलाज का आश्वासन दिया था, उनकी बातों में आ गया और गर्भवती महिला को भर्ती करा दिया, जिसमें अवैध मेरी सिटी हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की मौत हो गई। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। हॉस्पिटल निरीक्षण को पंजीकृत नहीं पाया गया और उसके लिए जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई की।